गाइस कौन सा टाइप का वीडियो आपको पसंद आता है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। सर्वर क्या करेगा, आपको एक एनआरएस से उठाकर मालदा में फेंक देगा। आई रियली डोंट नो कि हाउ मच आई कैन हेल्प यू बाय गिविंग माय दिस वीडियोस, कि जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं नहीं जानता मैं आपको कितना हेल्प कर पाता हूँ, लेकिन यही कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके ऑथेंटिक वीडियोस डाल सकूं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोग इधर उधर से डेटा कलेक्ट करके ये वो बग देते हैं, लेकिन मुझे आई लाइक ऑथेंटिसिटी एंड आई लाइक परफेक्शन, इसलिए वीडियो लाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जो वीडियोस होते हैं आई थिंक मैं आपको हेल्प कर पाता हूँ जितना मैं दे सकता हूँ आप सभी लोगों को इन दिस यूट्यूब कम्युनिटी। हाय गाइस, दिस इज शोमोजीत मोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम माय चैनल बायोमेडिकल विद मोनिक। सो गाइस, आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सक्लूसिवली डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल का स्टेट काउंसलिंग के बारे में, स्टेट काउंसलिंग कैसे स्टेप बाय स्टेप होता है एंड राउंड वन राउंड टू एंड राउंड थ्री के बारे में एंड वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगता है, ए टू जेड एंटायर डिस्कशन। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आप लोग देख ही सकते हो हमारे यूट्यूब में कि लेटेस्ट डिटेल्स ऑफ केपीसी मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी जोका मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर एक्सपेक्टेड ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ, और ऑल इंडिया कोटा में अगर आप लोग पार्टिसिपेट करते हो तो किसके वजह से आप लोग स्टेट में वो जंप कर सकते हो, सरेंडर ऑफ सीट किसे कहते हैं और स्पेशली रिफंड कब होता है, कैसे होता है, चॉइस फिलिंग कैसे किया जाता है, इन सभी चीजों को लेकर हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। तो ऑब्वियसली आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग उन वीडियोज को भी एक बार चेक कर लो, ठीक है, एंड उसके बाद इस वीडियो में आओ जो आज तक का लेटेस्ट न्यूज है फॉर नीट 2021 काउंसलिंग, ठीक है। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड गिव मी अपॉर्चुनिटी टू हेल्प ऑल ऑफ यू गाइस इन दिस काउंसलिंग प्रोसीड्योर। आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस में भी ज्वाइन कर सकते हो जहां पर हम लोग सिर्फ 199 रुपीज में आपको एंटायर गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ऑफ WBMCC काउंसलिंग, MCC काउंसलिंग एंड आयुष काउंसलिंग, ठीक है। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना होगा, इस दो नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप में भी कांटेक्ट कर सकते हो एंड कॉल पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो तो जनरली होपफुली 2-3 आवर्स के अंदर आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस एंड कॉल करूंगा उस टाइम पे। एंड सिर्फ 199 रुपीज में हम लोग आपका चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा, कौन सा कॉलेज अच्छा होगा आपके लिए, कौन सा कॉलेज मोस्ट प्रेफरेबल होगा, ये सब कुछ बता देंगे इस 199 रुपीज में, ठीक है। तो हेयर यू कैन सी गाइस कि दीज आर द कंसिक्वेंस स्टेप्स ऑफ WBMCC और वेस्ट बंगाल काउंसलिंग। तो आप लोग अगर MCC.NIC.IN में जाओगे तो आप लोग पाओगे क्या, ऑल इंडिया काउंसलिंग का डिटेल्स, एंड आप लोग अगर WBMCC.NIC.IN में जाओगे तो आप लोग देख सकते हो वेस्ट बंगाल काउंसलिंग का डिटेल्स जो साइड में दिया हुआ है, UG एंड आयुष काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पर कंसिक्वेंस स्टेप्स अभी तक जो अपडेट दिए है वो लोग, तो ये आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने न्यू डोमिसाइल फॉर्मेट भी निकाला है, PWD वेरिफिकेशन डेट भी एक्सटेंड किया है एंड जो हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, एंड उन्होंने जब कुछ मेमोरेंडम भी रिलीज किया है जहां पर उन्होंने एंटायर इंफॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आयुष मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल मेडिकल कॉलेजेस के बारे में दे दिया है। अभी तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, वहां पर कैसे पेमेंट मेथड होगा, नहीं होगा, ये कुछ डिटेल्स नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो ऑब्वियसली वी विल इन्फॉर्म यू एट दैट मोमेंट, ठीक है। एंड वो सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना होगा, क्या करना होगा, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो चलिए चले आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक में। तो स्टेप्स ऑफ WBMCC काउंसलिंग और वेस्ट बंगाल काउंसलिंग लगभग MCC के होमोलोगस काउंसलिंग ही होता है यहाँ पर, जो स्टेप्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग हमारे प्रीवियस एक वीडियो इस चार्ट को देख सकते हो एंटायर काउंसलिंग प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं स्टेप्स। फर्स्ट होता है कि सीट मैट्रिक्स ऑफ राउंड वन रिलीज होगा WBMCC में, उसके बाद आपको एनरोलमेंट और फीस पेमेंट करना होगा। आप लोग कोई कैफेटेरिया में जा सकते हो और घर में भी रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट कर सकते हो एंड उसके बाद फीस पेमेंट आपको करना होगा। लगभग ये फीस होता है 2-3,000 के आसपास, ठीक है। एंड यहां पर आपको एक पॉइंट याद रखना होगा, जो एक्नॉलेजमेंट शीट होता है जो फीस पेमेंट के बाद वो लोग देते हैं वो आपको प्रिंट आउट करके निकल के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रिंट आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑब्वियसली गाइस आपका सिंपल सा ट्रिक क्या है, आपका सिंपल सा ट्रिक है ये, सिर्फ लो एक फोटो क्लिक करके रख दो एंड उसको ही प्रिंट आउट कर सकते हो एज ए प्रूफ दैट आपने की पेमेंट किया है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आते हैं चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग जो आप सभी लोग लगभग जानते हो एंड प्रीवियस एक वीडियो में, इस वीडियो में मैंने डिस्कस भी कर दिया था कि कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना होगा।
अकॉर्डिंग टू योर जहां पर आप लोग रहते हो, अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस एंड अकॉर्डिंग टू योर डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, इन सभी चीजों को लेकर आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो चॉइस फिलिंग में आप लोगों ने कर लिया, चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉकिंग भी कर लिया। एंड इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कंप्लेन कर रहे हैं, भैया अगर सर्वर डाउन होता है तो चॉइस फिलिंग के बाद, चॉइस लॉकिंग के बाद प्रिंट हम लोग लेना भूल जाते हैं और सर्वर डाउन के वजह से प्रिंट आउट नहीं निकलता है, हम लोग देख भी नहीं सकते कि व्हाट आर आवर लॉक्ड चॉइसेस। तो आपको मैं एक अच्छा खासा इसका उपाय बता रहा हूं कि जब चॉइस फिलिंग आप लोग कर लोगे तो अगर बाय चांस, ठीक है, तो अगर बाय चांस आप लोग नहीं उसको प्रिंट कर सकते हो तो आप लोग सिर्फ सिंपल सा वे में एक पिक्चर खींच लेना, ठीक है, इस तरह से एक पिक्चर आप लोग खींच लेना, दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट वे, एंड उसको ही प्रिंट आउट आप लोग निकाल सकते हो एज ए प्रूफ, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड वन। तो चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के बाद जनरली एक मेरिट लिस्ट निकलता है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। मेरिट लिस्ट निकलने के बाद एक अलॉटमेंट रिजल्ट निकलता है जहां पर आप लोगों का रोल नंबर होता है, आपका नाम होता है एंड कौन से कॉलेज में आपका अलॉटमेंट होता है वो भी आप लोग यहां पर देख सकते हो, सीट अलॉटमेंट ऑफ राउंड वन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। एंड यहां पर आप लोगों का प्रिफर्ड कॉलेजेस कैसे पा सकते हो एंड कौन सा कॉलेज आपके लिए अच्छा होगा, सुटेबल होगा, वो आप लोग हमसे जान सकते हो। तो ऑब्वियसली इस नंबर पर आप लोग हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं कि रिपोर्टिंग टू द कॉलेज। रिपोर्टिंग टू द कॉलेज क्या होता है, जनरली एमसीसी में भी आप लोग जानते हो कोई एक कॉलेज अलॉट होने के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर आप लोगों को वहां पर जाकर रिपोर्ट करना पड़ेगा कि यस आई एम रिपोर्टिंग टू दिस कॉलेज, मतलब मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो रहा है इन राउंड वन, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑफ टू दिस कॉलेज हो गया एंड उसके बाद इस साल भी मुझे लगता है वेरिफिकेशन कॉलेज में रिपोर्टिंग के बाद ही होगा। तो ऑब्वियसली गाइज आपको याद रखने होंगे कि इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को ले जाना होगा एंड एज ए प्रूफ आप लोगों को इन सभी चीजों का एक पिक्चर खींच के रखना होगा कि बाय चांस अगर आप लोग ऐसे डॉक्यूमेंट ये ले जाना भूल जाते हो तो मोबाइल के पिक्चर से ही प्रिंट आउट करके उनको दिखा सको, ठीक है। तो वेरिफिकेशन कॉलेज में ही होगा, रिपोर्टिंग जब कॉलेज में करने जाओगे उस टाइम पे आपका वेरिफिकेशन होगा एंड बाय चांस अगर वो लोग कोई देखते हैं कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है और कास्ट सर्टिफिकेट मैच नहीं कर रहा है तो ऑब्वियसली आप लोग एंटायर प्रोसीडियर से कट आउट भी हो सकते हो। तो ऑब्वियसली जब आप लोग ये एनरोलमेंट करोगे तो कास्ट आपका जो डिटेल्स है वो अच्छे से भरना एंड केयरफुली भरना, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन के बाद आप लोग जब एडमिशन ले लोगे कोई कॉलेज में तो वहां पर क्या होगा, आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। आपको जो अथॉरिटी होगा वो पूछेगा कि आप लोग क्या अपग्रेडेशन में जाना चाहते हो सब्सिक्वेंट राउंड्स में और आप लोग इस कॉलेज में स्टे करना चाहते हो। तो ऑब्वियसली आप लोग राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हो। अगर आप लोग फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज में स्टे करना चाहते हो वो भी कर सकते हो तो ऑब्वियसली आपको अपग्रेडेशन में नो करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग अपग्रेडेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो एंड उस कॉलेज से भी अच्छा कोई कॉलेज में जाना चाहते हो और अपने टारगेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली यू कैन क्लिक टू अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन में क्या होता है वो थोड़ी देर बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन यहां से क्या होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलॉटमेंट नहीं होता है। जिन लोगों का अलॉटमेंट नहीं होता है लगभग मैं बॉर्डरलाइन सिचुएशन मान रहा हूं, अकॉर्डिंग टू मी मुझे लग रहा है इस साल राउंड 2 का कट ऑफ जो जा सकता है जनरल का 35,500 के आसपास, एससी का 1,27,000 के आसपास, ये स्क्रीनशॉट में आप लोग देख ही सकते हो, ये मेरा मानना है जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जिन जो लोग बॉर्डरलाइन होते हैं, मतलब जैसे 32,000 to 35,000 के स्टूडेंट्स और 33,000 to 35,000 के स्टूडेंट्स, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ऑब्वियसली राउंड 1 में अगर उनका सीट अलॉटमेंट नहीं होता है वो लोग राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। फ्रेश चॉइस फिलिंग करने के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, राउंड 2 में भी न्यू कॉलेज आपका अलॉटमेंट होगा, अलॉटमेंट होने के बाद वहां पर जाकर आपको फिर से ये प्रोसीड्योर करना पड़ेगा वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड यहां पर वेरिफिकेशन के बाद आपको ये भी पूछा जाएगा राउंड 2 के वेरिफिकेशन के बाद कि आप लोग क्या राउंड 3 में जाना चाहते हो और अपग्रेड करना चाहते हो, तो दे आर विल से कि मैं राउंड 3 में जाना चाहता हूं और अपग्रेडेशन में जाना चाहता हूं। एंड ऑब्वियसली यहां पर और एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिनका राउंड 2 में भी नहीं होता, राउंड 1 में भी नहीं हुआ, राउंड 2 में भी नहीं हुआ, वो लोग राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, लेकिन अभी तक हम लोग ये नहीं जानते हैं कि राउंड 3 ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन। जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि राउंड 2 के अंदर जो बॉर्डरलाइन सिचुएशन के स्टूडेंट्स थे, मतलब 35,000 to 36,000 के स्टूडेंट्स थे, वो सभी लोग राउंड 2 में चले जाते हैं एंड जो लोग गवर्नमेंट में नहीं जा पाते वो लोग स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेजेस में चले जाते हैं एंड बाकी जो सीट्स बचा हुआ रहता है जनरली एससी पीएच सीट, जनरल पीडब्ल्यूडी सीट, एसटी पीडब्ल्यूडी सीट एक्सेट्रा जो सीट से, इनमें क्या होता है, इनमें होता है काउंसलिंग इन राउंड 3। लेकिन इस साल का प्रोसीडियर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है इसलिए मैं कंफर्मेटरी नहीं कर सकता हूं कि राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, ठीक है। जनरली एमसीसी में राउंड 3 क्या होता है, ऑल इंडिया में राउंड 3 जो होता है वो होता है
ऑनलाइन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसको लेकर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आप लोग अगर राउंड टू में कोई कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो अपग्रेडेशन में आप लोग दे देते हो। अपग्रेडेशन में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग फिर से करना पड़ेगा, फ्रेश चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोग उस कॉलेज में ही रहना चाहते हो, जैसे मैं समझ रहा हूं आप लोगों का एनआरएस हो गया, आप लोग एनआरएस में ही रहना चाहते हो, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? तो राउंड टू में जब आपका एनआरएस हो गया, राउंड थ्री में आप लोग सिर्फ एमसीके देकर छोड़ दो। अगर होता है तो एमसीके में हो जाएगा, और अगर नहीं होता है एमसीके में तो आपको एनआरएस स्टे आप लोग कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग बाय चांस एमसीके के बाद मालदा मुर्शिदाबाद दे देते हो तो ऑब्वियसली देयर विल बी ए डिवास्टेटिंग इफेक्ट कि आपको जब सर्वर देखेगा आपका एमसीके के बाद मालदा हो रहा है एंड मालदा का कट ऑफ एनआरएस से बहुत नीचे है ना, आपका उस कॉलेज में हो सकता है, तो वो सर्वर क्या करेगा, आपको एक एनआरएस से उठाकर मालदा में फेंक देगा। तो ऑब्वियसली आप लोग उसके बाद एनआरएस में पढ़ नहीं सकते हो, आपका एनआरएस का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा एंड आपको मालदा में जाकर एडमिशन लेना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप लोग अपग्रेडेशन में यस कर देते हो एंड कोई चॉइस फिलिंग नहीं करते हो राउंड टू में, तो ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट टाइम का एडमिशन था वो ही वहां पर स्टे हो जाएगा और आप लोग फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज में एडमिशन लिए थे वहां पर ही आप लोग स्टे कर सकते हो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइटल टॉपिक्स दैट यू हैव टू नो फॉर योर WBMCC काउंसलिंग। अब आते हैं हम लोग वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो जनरली क्या होता है, जनरली वेस्ट बंगाल में एक साथ गवर्नमेंट का भी, प्राइवेट का भी एंड प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट कोटा में भी काउंसलिंग चलता है। जनरली गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद प्राइवेट कॉलेजेस स्टेट कोटा के जो प्रेफरेंस है वो स्टूडेंट्स देते हैं, उसके बाद BDS का प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। BDS का काउंसलिंग MBBS के साथ ही होता है जो आप सभी लोग लगभग जानते हो। चॉइस फिलिंग कैसे करना होगा, चॉइस फिलिंग क्या होगा, ये इसको लेकर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड अभी तक के लिए जान लो प्राइवेट कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा है जहां पर 60-70 लाख लगता है 5.5 इयर्स में, वहां पर आप लोग अगर वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हो तब भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड मैनेजमेंट कोटा में अगर आप लोग आउट ऑफ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स हो और नॉन डोमिसाइल वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स हो तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। सिर्फ हमारे चैनल में जो रिसेंट वीडियोस आएंगे उसके ऊपर थोड़ा नजर रखना, क्योंकि इन सभी छोटा मोटा पॉइंट्स को लेकर हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब आते हैं हम लोग वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में जनरली आपको क्या क्या लगता है, वेरिफिकेशन में आपको सबसे पहले लगेगा आपका नीट का एडमिट कार्ड, उसके बाद रिजल्ट ऑफ नीट, ठीक है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट और एज प्रूफ। एज प्रूफ के हिसाब से आप लोग 10 का और क्लास 12 का, ठीक है, एडमिट कार्ड, जो बोर्ड्स का एडमिट कार्ड वो भी ला सकते हो जहां पर एज आपका लिखा हुआ होता है। और आप लोग क्या ला सकते हो, क्लास 10 प्लस 2 का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो कंपलसरी है, मतलब एडमिट कार्ड हो गया नीट का, रिजल्ट ऑफ नीट, बर्थ सर्टिफिकेट और एज प्रूफ एंड उसके साथ क्लास 10 प्लस 2, ठीक है, 10 का भी इवन 12 का भी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, जो स्कूल से और जो आपके बोर्ड से आपको प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि ये लोग इन चीजों को आप एज ए बॉन्ड रख लेंगे, ठीक है, एज ए बॉन्डेज वो लोग रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपको इशू किया होता है, एंड अगर आप लोग हमारे काउंसलिंग सर्विस में ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हो तो ऑब्वियसली आप लोग जानोगे कि इन सभी चीजों का फॉर्मेट हमने काउंसलिंग ग्रुप में डिटेल्स में भेज दिया है, आप लोग जहां पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो एंड उससे आप लोग प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको एक ही काम करना होगा, हमारे काउंसलिंग सर्विस में ज्वाइन करना होगा इन सभी फैसिलिटीज को अवेल करने के लिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट स्लिप और फीस पेमेंट ये आपको लेकर जाना पड़ेगा, जो मैंने यहाँ पर बताया था, एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं फीस पेमेंट के बाद जो आपको लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल A1 A2 और B, इन 3 टाइप का डोमिसाइल प्रेजेंट होता है एंड जो आप लोग इस वीडियो में इन डिटेल में देख सकते हो डोमिसाइल कब कौन सा डोमिसाइल लगता है, ठीक है। इसके बाद बॉन्ड ऑफ डिसकंटिन्यूएशन, बॉन्ड ऑफ डिसकंटिन्यूएशन को लेकर भी हम लोग इन डिटेल्स एक वीडियो बना चुके हैं जो आप लोग इस वीडियो में देख सकते हो एंड डिटेल्स वीडियो बनाएंगे भी, ठीक है। इसके बाद आते हैं SC ST OBC और EWS सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताना चाहता हूँ, जनरली SC ST एंड OBC सर्टिफिकेट रिन्यू करने का कोई जरूरत नहीं होता, लेकिन EWS सर्टिफिकेट का रिन्यूअल ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि EWS सर्टिफिकेट का वैलिडिटी होता है सिर्फ 1 ईयर, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जानना जरूरी है। एंड SC ST सर्टिफिकेट एंड OBC सर्टिफिकेट परमानेंट होता है तो आपको न्यूली करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आते हैं PWD सर्टिफिकेट। PWD सर्टिफिकेट यहाँ पर एक एक्सटेंशन उन्होंने ऐड किया है जहां पर आप लोग देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ द वेरिफिकेशन डेट। वेस्ट बंगाल में फिजिकली हैंडीकैप कोटा का जो वेरिफिकेशन है वो इन डेटों में हो सकता है जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एंड ये आप लोगों को नॉलेज में रखना होगा। अगर आपने PWD सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं अभी तक तो वहां पर जाकर जल्द से जल्द आप लोग निकाल सकते हो एंड यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट्स को लेकर और फिजिकली हैंडीकैप कोटा को लेकर इन डिटेल एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है जहां पर जाकर आप लोग इन डिटेल वो
किस किस कंडीशन में फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट आप लोग निकाल सकते हो वो देख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक मैंने मोटा मोटा आपको समझा पाया हूँ जो एंटायर प्रोसेस होता है वेस्ट बंगाल काउंसिलिंग का। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, क्वेरी है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर वीडियो में थोड़ा सा भी छोटा सा भी कोई मिस्टेक है तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइस। अगर आप हमारे काउंसलिंग सर्विस में जुड़ना चाहते हो तो ऑब्वियसली इस दिए गए नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेडकिट विद मणि। एंड गाइस, एक चीज, कौन सा टाइप का वीडियो आपको पसंद आता है एंड क्या क्या वीडियो आपके रिक्वायरमेंट्स है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, क्योंकि उन सब टॉपिक्स को लेकर ही हम लोग सब्सिक्वेंट डेज में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।